अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होममेड किचन फूड। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मसाला दम बिरयानी। तो ये हमारा एक किलो से ऊपर 1.25 किलो चिकन है, जिसको हमने अच्छे से वॉश कर लिए है। और ये है 3 टेबलस्पून हमने नींबू का रस निकाले हैं, 2 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, 3 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी है, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर है, 1.5 टेबलस्पून नमक है, 1.5 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर जो कि ये तेज़ वाला होता है, और 1 टेबलस्पून हमने खाने में डालने वाला केवड़ा लिए है, और ये कोथमीर लिए है 2 से 3 मुट्ठी, और 200 ग्राम हमने दही लिए। तो ये है बिरयानी के 1 किलो चावल, जिसको हमने अच्छे से वॉश करके 1 घंटे के लिए भिगा के रख दिए। और ये हमने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, जिसको हमने बीच में से काट के 8 पीस बना लिए। और ये है 3 टेबलस्पून हमने नमक लिए चावल में डालने के लिए, 2 बड़े साइज़ के तेज़पत्ते लिए थे जिसको हमने तोड़ लिए। और ये है 10 से 12 है कबाब चीनी, 4 टुकड़े है मीडियम साइज़ के दालचीनी के, 1 टीस्पून है शाहजीरा, 1 टीस्पून है काली मिरी, 1 टेबलस्पून है जीरा, 1/2 टीस्पून है लौंग, और ये एक साइज़ है इसका फूल का, और 2 है बड़ी इलायची, 5 है छोटी इलायची, और 1/4 किलो हमने टमाटर लिए, और 400 ग्राम हमने प्याज लिए, और ये 6 से 7 हमने हरी मिर्ची लिए। तो अभी हम ये चिकन के अंदर दही डाल रहे हैं, जो कि हमने 200 ग्राम लिए थे, पहले भी बताए थे। और ये नमक डाल रहे हैं इसके अंदर, और अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये नींबू का रस भी डाल देंगे इसी के अंदर। अभी इसको मिला लेंगे हम। इसको हमने मैरिनेट कर लिया है चिकन को, इसको हम 20 से 25 मिनट लगा के रखेंगे। आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, या 1 घंटा 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। और ये साथ में हमारे प्याज का बिरिस्ता भी बनाने के लिए हमने रख दिए। इसका बिरिस्ता जैसे ही रेडी हो जाएगा तो हम कुछ दिखा देंगे कितना पकाने का है। और इसमें हमने 150 ग्राम ऑयल लिए थे बिरिस्ते के लिए, यही तेल हम बिरयानी के लिए मसाले में यूज़ करेंगे। तो ये चावल का पानी हमारा बॉईल हो चुका है, अभी हम इसके अंदर नमक डाल रहे हैं, और ये साथ ही साथ ये मसाले भी डाल देंगे। अभी इसके साथ में हम ये चावल भी डाल देंगे आराम आराम से। तब इसके अंदर भी ये 1/2 टेबल स्पून हम इसमें नींबू का रस, और ये खाने वाला केवड़ा जो कि बिरयानी वगैरह में जाता है। तो ये चावल हमारे हो चुके हैं, चावल को हमको 90% पकाना है, थोड़ा सा इसको कच्चा रखने का है चावल को अंदर से। अभी हम इसको छान लेते हैं। तो ये बिरिस्ता हमारा रेडी हो चुका है, अभी हम बिरिस्ते को बाहर निकाल रहे हैं। तो अभी इसी पतीली के अंदर हम ये आलू को भी फ्राई कर लेंगे। आलू को पूरा 100% ही फ्राई करना है, जैसे ये फ्राई हो जाएंगे हम आपको दिखाते हैं। तो अभी ये टमाटर को हम इसके अंदर डाल देंगे जार के अंदर, टमाटर और हरी मिर्ची। इसी के साथ हम ये बिरिस्ता भी डाल देंगे। और ये 25 ग्राम हमने काजू लिए थे, जो कि हमने बताए तो नहीं थे, अगर आप चाहे तो बिरयानी में ऐड कर सकते हैं मसाले में, नहीं तो कोई बात नहीं है, डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, हम एक आलू तोड़ के दिखाते हैं, और पलट पलट के मीडियम टू लो हीट पे ही बनाना है। ये देखिए, तो अभी हम ये आलू हमारे हो गए फ्राई, अभी हम ये इसके अंदर ये चिकन ऐड कर रहे हैं तेल के अंदर।
इसको 2 से 3 मिनट के लिए फास्ट गैस पे पकाने का है। फिर मसाले डाल के दिखाते हैं। तो ये चिकन हमारा अभी है इतना पका लिए हमने। पहले चिकन को डालने का मतलब ये था कि चिकन अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कड़क हो जाएगा। अभी ये इसमें हम हल्दी का पाउडर डाल रहे हैं और ये मिर्ची कश्मीरी मिर्ची, ये रेड वाली मिर्ची जो तेज़ है, और ये धनिया पाउडर और ये गरम मसाला पाउडर। अभी इसको हम मिला लेंगे अच्छे से। अब इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए फास्ट गैस पर ही भूनेंगे। तो ये मसाला डाल के, ड्राई मसाले डाल के हमको 2 मिनट हो चुके। अभी हमने ये जो मसाला पीसे थे प्याज और टमाटर और काजू का, अभी इसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो अभी हम इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल रहे हैं। गैस को फास्ट रखे हमने। अभी इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो हीट पे ढक्कन लगा के रख देंगे। तो ये चिकन हमारा गल चुका है। इसको टोटल 25 मिनट लगे और चिकन हमने चेक कर लिए थे। और हम बता दें कि नमक भी हमने टेस्ट किए थे, हमने इसमें 1/2 टीस्पून नमक और डाले। और मसाला ऐसा ही रखना है। अभी हम इसके अंदर ये कसूरी मेथी डाल के 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो अभी हम ये बिरयानी का मसाला रेडी हो चुका है। अभी हम इसके अंदर इसको डाल रहे हैं। पहले हम मसाला डालेंगे नीचे। ज़्यादा नहीं डालने का, थोड़ा थोड़ा ही डालने का है। अभी इसके ऊपर 1 लेयर चावल की डालेंगे। अभी फिर से इसको डालेंगे। अभी इसके अंदर थोड़ा सा कोथमीर। अभी ये लास्ट लेयर डाल के अभी इसके अंदर हम ये आलू डाल देंगे। अभी वापस से ही ऐसे ही 1 लेयर वापस के लास्ट वाली चावल की थोड़ा सा कोथमीर डालते। यही 1 लेयर ऐसे डाल देने का। तो ये हमारे बिरयानी के ये चावल ऐसे लग चुके हैं अच्छे से हमने। और तवा हमने गरम करने के लिए रखे थे मीडियम टू हाई हीट पे। तवा गरम हो चुका है। अभी हम ये बिरयानी को इसमें चढ़ा देंगे और तवा रख के ही बनाएं ताकि बिरयानी लगेगी नहीं नीचे। अभी इसके अंदर हम ये कलर डाल देंगे। येलो कलर फूड कलर है ये, और ये ऑरेंज रेड। अभी इसको हम मीडियम टू हाई लो पे इसको हम एक दम देंगे अच्छे से, ढक्कन लगा के रख देंगे। तो ये हमारी बिरयानी को दम हो चुका है अच्छे से। दम दिए हमने, कम से कम 20 से 25 मिनट लगे मीडियम टू लो हीट पे। ये देखिए, अभी हम इसको सॉफ्ट कर लेते हैं। तो हमारी ये बिरयानी, मसाला दम बिरयानी, चिकन की बिरयानी रेडी हो चुकी है।
अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा कोथमीर डाल रहे हैं। अगर आपको मेरी ये बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।